व्यंग का शीर्षक है क्या नाम से, सब चोर हैं। पुरानी बात है, एक बार क्या नाम से विट्ठल भाई पटेल का घी चोरी चला गया। अरे भाई, चीज़ें संभाल कर नहीं रखोगे तो चोरी तो जाएंगी, बाद में चिल्लाप मचाने से क्या फ़ायदा। अभी क्या हुआ, पिछले हफ्ते में पड़ोसी के साथ उसके चोरी गए एंटीना की रिपोर्ट दिखाने थाने गया था, पर भैया हमें बेरंग लौटना पड़ा, क्या नाम से रिपोर्ट दर्ज ही नहीं हुई। हवलदार ने यह कहते हुए पेन जेब में रख लिया कि जब आपने अपनी चीज़ की सुरक्षा के लिए कोई कोशिश ही नहीं की तो पुलिस क्या करेगी। हम मुंह लटकाए चले आए। ठीक ही तो कह रहा था वह, क्या नाम से पड़ोसी ने न एंटीना की निगरानी के लिए कोई अर्दली नियुक्त किया था, न उसे ताले में बंद कर रखा था, ये तो होना ही था। वैसे चोरियां आदिकाल से होती चली आ रही हैं, कहीं नहाती हुई गोपिकाओं के वस्त्र चोरी जाने का उल्लेख है तो कहीं दही की मटकियाँ चुराने का वर्णन मिलता है। अरे भाई, मनुष्य आखिर है तो बंदर का ही वंशज ना। यह बात दीगर है कि संस्करण थोड़ा संशोधित सा है, पर आखिर कद्दू के बेल पर कद्दू ही लटकेगा ना। इसीलिए तो आज तक हमने न केवल पैतृक गुणों को सहज कर रखा है, बल्कि उसमें दिन दुनी और रात चौगुनी वृद्धि भी की है। क्या नाम से देखिए ना, पूछ वालों की चोरियां तो खाद्य पदार्थ और ज़्यादा से ज़्यादा राहगीरों की टोपियों तक ही सीमित रही, पर हम बिन पूछ वालों ने सारी परिधियां लांग दी है। वक्त के साथ साथ चोरियों का अंदाज जरूर बदल गया है। क्या नाम से हर किसी एरे गेरे ने इसमें मुंह मारने की जरूरत कर इसकी महत्ता का मखौल उड़ाया है। अब देखिए ना, कोई निंदिया चुराता है तो कोई बिंदिया चुराता है, कोई नैन चुराता है तो कोई चैन चुरा कर अफू चक्कर हो जाता है। झूठ के बोलू, मैंने तो क्या नाम से एक फिल्म गीत के भाव चुरा कर अपना नाम चोरों की गिनती में यहीं दर्ज करवा लिया। अब आपका ईमान धर्म आपके साथ। हाँ तो मैं कह रहा था, बतौर कलंक कोई बोइंग चोर है तो कोई ड्राइंग चोर है, कोई कागजात चुरा कर विदेशी तलवे चाट रहा है तो कोई जात चुरा कर दूसरों के हक खा रहा है, कोई फाइल चोर है तो कोई स्टाइल चोर है, कोई गीत चुरा रहा है तो कोई संगीत चुरा कर वाह वाही लूट रहा है, कोई फिल्म चोर है तो कोई इल्म चोर है, नौसिखिया पेन को चुरा कर उसे खिसे में खोस लेता है तो क्या नाम से पारंगत प्रेम चोर सारा सबूत चबा ही जाता है, बिन सबूत सब सबूत, कोई जर चुराता है तो कोई कर चुरा कर संपत हो जाता है, कोई कार चोर है तो कोई तार चोर है, कोई कोयले की चोरी कर हाथ काले कर रहा है तो कोई चोरी छिपे दहेज लेकर क्या नाम से हाथ पीले कर रहा है, कोई तार की बागड़ कूद कर इमली चुरा रहा है तो कोई तार की हेकड़ी डालकर बिजली चुरा रहा है, कोई कहानी चुराता है तो कोई पानी चुराता है, कोई काम चोर है तो कोई आम चोर है, सब चोर हैं। एक की निगाहें होठों की लाली पर है तो क्या नाम से दूसरे का ध्यान साली पर है, भूखा भोजन चोर है तो प्यासा जौबन चोर है, कोई चोरी छुपे चोरी कर रहा है तो कोई सरेआम कर रहा है, अनाड़ी बैंक चुरा कर तिरस्कार पाता है तो खिलाड़ी रन चुरा कर पुरस्कार पाता है, कोई मंदिर जाकर जूता चोर बन जाता है तो कोई मूर्ति चोर हो जाता है, जिनके दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना नहीं होती क्या नाम से वे भभूत लगाकर खाली हाथ घर लौट आते हैं। शहर में गैस चोर छुपे हैं तो गाँव में भैंस चोर लुके हैं, कोई शोहर चुरा कर पाप कर रहा है तो कोई गोबर चुरा कर कंडे थाप रहा है, कोई नज़र चुरा कर बदनाम बस्ती की सीढ़ियां चढ़ रहा है तो क्या नाम से कोई अस्मत चुरा कर गर्त में उतर रहा है, कहीं झूठी भोजन की प्लेटें चुरा कर पेट की भूख मिट रही तो कहीं फिश प्लेटें चुरा कर हजारों की लुटिया डुबोई जा रही। अब कहिए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इधर चोर है उधर चोर है, क्या नाम से जिधर देखो उधर चोर ही चोर है। बताइए ना, रिश्तेदारी में भला आप क्या छिपाना। खैर, वो तो गनीमत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत शब्दशः सच नहीं है, वरना हम सब की दाढ़ियों में तिनके तो ठीक घास के पूले लटके होते। इसीलिए तो कहता हूँ भैया कि क्या नाम से सब चोर हैं, बस
कोई अंदर है कोई बाहर। सोचता हूँ बदकिस्मती से यदि चोरियों का वर्गीकरण न हुआ होता तो बेशक हम सब अंदर होते और क्या नाम से कोई ताला लगाने वाला भी नसीब न होता। तो मित्रों ये था आज का व्यंग, क्या नाम से सब चोर हैं। व्यंग श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, आपका अभिमत मुझे अवश्य बताएं। नमस्कार।